कश्मीर के मदरसे में गूंजा सारे जहां से अच्छा तिरंगा हाथों में लेकर बच्चों ने दिखा दी देशभक्ति। कश्मीर से देशभक्ति का एक खूबसूरत नजारा। धारा 370 हटने के बाद खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसी मानसिकता रखने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये तस्वीरें इसीलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है तभी से इसका विरोध होता आया है। 5 अगस्त 2019 वो दिन था जब कश्मीर से इस काले धब्बे को हमेशा के लिए हटा दिया गया, जिसकी वजह से हमारा कश्मीर इतने सालों से अलग रहा। लेकिन शायद ये फैसला कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर 35 ए को छेड़ा तो हाथ जल जाएंगे। बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। धमकियां मिलती रही लेकिन केंद्र सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और आज 370 और 35A को हटे 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव को जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जुड़ते चले गए। हाथों में तिरंगा, जुबा पर राष्ट्रभक्ति के गीत और चेहरे पर खुशी की झलक साफ बता रही है कि ये नया भारत है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का वो लाल चौक जहां आतंक के चलते सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां देशभक्ति के नारे और तराने गूंज रहे हैं। उसी की वानगी पेश कर रही है ये तस्वीर जिसमें दिखाई दे रहा है कि मदरसे में बच्चे कितने अनुशासन से लाइन लगाकर सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा गा रहे हैं। कश्मीर से हटकर एक तस्वीर और देखिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित मदरसा जामिया रहमानिया मदनपुरा के बच्चों ने मधुर आवाज में जब राष्ट्रगान गाया तो हर कोई हैरान रह गया। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।